उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। जीवन उत्साह न्यूज पर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत। मैं रमेश शर्मा आज फिर से आपका करता हूं और आज हिमाचल प्रदेश के नई पंचायतों के गठन के लिए चुनाव होने जा रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में आज 17, 19 और 21 तीन चरणों में पंचायतों के चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें वार्ड पंच से लेकर जिला परिषद तक का चुनाव जो है वो आप लोगों को करना है। तो एक तो आप वोट डालने ज़रूर जाएं। और आज मैं बेसिकली दो तीन चीज़ों पे बात करने जा रहा हूँ। जैसे बड़सर में अभी हम खड़े हैं, बड़सर में करीब 8 वार्ड यहाँ पर हैं और एक वार्ड जो जब्बल खैरी है, 9 वार्ड में चुनाव होने हैं। तो यहाँ पर जो व्यवस्था है वो पुलिस ने अपनी तरफ से, देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर ये काफ़ी प्रिकॉशंस अपनी तरफ से की हुई है। फेस शील्ड भी लगाई हुई है और हैंड सैनिटाइज भी करा रहे हैं और ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि सभी लोग मास्क के साथ ही अंदर प्रवेश करें। सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा जा रहा है। यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से, एक सही तरीके से जो है वो यहाँ पर व्यवस्था को इन्होंने मेंटेन किया है। तो सबसे पहले तो पूरी पुलिस टीम का, कर्मचारियों का जो इलेक्शन करा रहे हैं उन सब का, और जो भी टीम लोग यहाँ पर सहयोग कर रहे हैं उनका ये श्रेय जाता है इनको, कि क्योंकि ये सब चीज़ें बाकी जिम्मेवारी की हैं। वैसे भी हिमाचल प्रदेश सरकार ने गाइडलाइन जारी की हैं कि कोरोना महामारी के चलते थोड़ा इस बात का ध्यान रखा जाए कि एक तो भीड़ ना हो, और इसी वजह से तीन चरणों में चुनाव कराए जा रहे हैं। एक बड़ी चीज़ पे मैं ध्यान लाना चाहता हूँ यहाँ पर, जो लोगों की शिकायत भी है और लगातार ये बातें आ रही हैं कि इस बार जो वोटर लिस्ट बनी है उसमें काफ़ी लापरवाहियाँ की गई हैं। अब ये पंचायत स्तर पर की गई है, किस तरह से की गई है, लेकिन बहुत सारे लोगों के जो एलिजिबल थे उनको पुराने विधानसभा के टाइम में भी और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के टाइम में भी उन्होंने वोटिंग किया है, लेकिन अभी वोटर लिस्ट से उन लोगों के नाम गायब हैं। तो ये काफ़ी समस्याएं यहाँ पर आ रही हैं। लेकिन अभी यहाँ पर कुछ ऐसे लोग, मैं पहले यारो साहब से बात करूँगा कि क्या यहाँ पर ऐसे कुछ लोग आए हैं जो वोट डालने आए हैं, और अगर आए थे तो उनको कोई चैलेंजेस ऐसे आए हैं, या फिर कोई और प्रावधान भी है कि अगर वोटर लिस्ट में उसके पास नाम नहीं है तो क्या वो वोट यहाँ भी कोई आधार कार्ड या इस तरह से कोई डाल सकता है, ऐसी कोई जानकारी पहले बीच में आई थी। लेकिन यहाँ पर अभी जैसे 8 वार्डों के इलेक्शन इस स्कूल में आज हो रहे हैं। मैंने कल भी यहाँ की व्यवस्था को लेकर दिखाया था आपको, काफ़ी अच्छे इंतज़ाम किए गए हैं। आई होप सो कि हर जगह ऐसे इंतज़ाम किए हों। बस लोगों से थोड़ा सा ये अनुरोध है कि वो ज़्यादा इकट्ठे ना हों और हैंड सैनिटाइज अपने आप करें। ऐसा नहीं कि उनको कोई बोलेगा, आवाज़ लगाएगा, वो खुद इस बात का ध्यान रखें कि वो जो नियम है सरकार के, कोविड नियम जो है उनका पालन करें। और बड़ी खुशी की बात यह है कि पिछले कल बड़सर अस्पताल में भी कोविड के इंजेक्शंस दिए गए हैं। जो लोग कोरोना वॉरियर्स हैं, जो फ्रंट लाइन पर रहते हैं, उनको तो जैसे डॉक्टर्स को दिए गए हैं, कुछ और भी लोगों को, 70-80 लोगों को जैसे बताया जा रहा है कल वहाँ पर दिए गए हैं। तो मैं आपको बड़सर की सिचुएशन दिखा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये एक वार्ड नंबर 1 है, ये ऐसे इधर वार्ड नंबर 2 है, और ये मेरे पीछे जो है वार्ड नंबर 3 है। यहाँ पे जैसे हैंड सैनिटाइज करने की व्यवस्था की गई है, आशा वर्कर जो है उनको जिम्मेवारी दी गई है, और यहाँ पर पुलिस ने भी अपनी तरफ से जो भी जिम्मेवारियाँ हैं पुलिस की वो यहाँ पर जो है जवान खड़े हुए हैं। यहाँ पर कुछ लड़के खड़े हैं, मैं इनसे थोड़ा सा बात करना चाहूँगा कि आप लोग युवा हैं इस देश के, पंचायतों के इलेक्शन को लेकर आप लोग हमेशा ये चाहते हैं कि प्रधान अच्छे हों, बीडीसी अच्छे हों, वार्ड पंच अच्छे हों, आप किसको सपोर्ट करते हैं इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है जी। लेकिन क्या आप समझते हैं कि आपको किस तरह के प्रतिनिधि चाहिए? हमें उस तरह के चाहिए जो हमारे लिए काम करें जी, यूथ के लिए भी, और जो हमारे कोई भी काम है, सोशल वर्क जितने भी, सबसे पहले वो काम जो करने वाले हों हम उसी को चुनेंगे। अच्छा, जैसे कई बार ये बात आती है कि महिलाएं रबर स्टंप की तरह काम करती हैं, प्रतिनिधि होती हैं, आपका इसमें क्या कहना है, किस तरह का विचार रखते हैं आप इसके बारे में? तो मैं क्या बताऊं आपको, रबर स्टंप मतलब जैसे महिलाएं आगे आ जाती हैं लेकिन काम उनके पति पीछे करते हैं, तो ऐसी कोई बात मार्केट में आती रहती है, ऐसा है, आपका क्या इसमें मानना है, मत क्या है इसमें आपका? मतलब हमें उसी तरह की महिलाओं को चूज करनी चाहिए जो एबल है, मतलब जो काम करवाने लायक है, जो पढ़ी लिखे हो वही। ठीक है, मैं आपका वैसे जनरली एक विचार दिला रहा था कि हमारे यूथ क्या सोचता है, हमारे युवा क्या सोचते हैं। वाकई में ही एक बड़ी जागरूकता की बात है। मैं यहाँ पर एक बात आपको बोलना चाहूँगा, मैंने इस बार काफ़ी सारे प्रतिनिधियों का इंटरव्यू लिया, उनको मैंने प्रेजेंट करने का प्रयास किया, और मैं जनरली इस बात को आज इसलिए करना चाह रहा हूँ कि पहले ये बात मैंने नहीं करी है, लेकिन आज मैं इस बात को इसलिए करना चाह रहा हूँ कि
हर व्यक्ति ने ये बात की कि हम सड़कों की बात करेंगे, नालियों की बात करेंगे, स्ट्रीट लाइट की बात करेंगे, लेकिन किसी ने भी ये नहीं कहा कि हम जो कूड़ा पड़ा रहता है शहर में उसकी सफाई का कोई अभियान चलाएंगे और उसके निराकरण के लिए, उसको साफ करने के लिए, उसको करने के लिए कोई हम कार्य करेंगे। ना ही किसी जिला परिषद के इंटरव्यू में बात बोली गई, ना ही किसी प्रधान, किसी बीडीसी, किसी व्यक्ति ने भी ये बात नहीं बोली। तो ये हमारे लिए एक बड़ा मुद्दा है कि जो कूड़े की जो गंदगी है हमारे गाँवों के अंदर या हमारे शहर के अंदर पड़ी हुई है, उसको सफाई करने की जिम्मेवारी कोई भी कैंडिडेट ने अभी तक नहीं लिया, मुद्दा नहीं माना है, जबकि ये सबसे बड़ा मुद्दा है। जबकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी स्वच्छ भारत अभियान को लेकर हमेशा बात करते रहते हैं और करोड़ों रुपए का बजट भी इसके लिए आता है, लेकिन मतलब ये बड़े मैं आश्चर्य की बात है। ये बात मैं आज इसलिए सामने रख रहा हूँ क्योंकि अगर पहले बताया था तो शायद कोई मुद्दा बना लेता। मैंने आज इसको इसलिए बोला है कि हम नालियों पर और सड़कों के पीछे इतने पड़े हुए हैं कि हम अगले 50 सालों 100 सालों और पीछे के 50-100 सालों को भी भूल जाते हैं कि वो नालियाँ आज तक ना तो बन पाई हैं ना तो सड़कें कभी बन पाई हैं। वो हर साल बनती है, हर साल टूट जाती हैं, लेकिन कूड़े की जो समस्या है वो इतनी बड़ी समस्या है हमारे क्षेत्र की, जिसको अगर आप देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। हर गली हर चौराहे आपको कूड़े से भरा हुआ मिलेगा, लेकिन कोई प्रतिनिधि इसको लेकर सवाल उठाने के लिए तैयार नहीं है। बहुत सारे MLA आगे आके चले गए, बहुत सारे MP आके बड़ी बड़ी बातें करके चले गए, लेकिन अभी तक यहाँ का प्रशासन भी क्यों ना हो इस बात को लेकर अभी सीरियस नहीं हुआ है, और ये सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने है। खैर बहुत सारे मुद्दे हैं, जीवन सा न्यूज़ के माध्यम से आपके बीच में आते रहेंगे, जब तक सांस में सांस है तब तक ये बातें तो निकलती रहेंगी, लेकिन जिम्मेवारी प्रतिनिधियों को लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये जिम्मेवारी एक आम आदमी नहीं ले सकता। आम आदमी टैक्स देता है और दिन रात अपने कमाई का पैसा सरकार को देता है, वो इसीलिए देता है कि उसको सुविधाएं मिले। सड़कों के किनारे पड़ा हुआ कूड़ा मैं आपको अगले कुछ दिनों में लगातार दिखाऊंगा बहुत सारी जगहों पे, और आपको खोलूंगा इस बात की पोल के प्रशासन कितना लापरवाह है हमारा, और इनको कोई चिंता नहीं है। पिछले 2 साल से लगातार हम इस बात को लेकर आवाज़ उठा रहे हैं। आप बने रहिए इस तरह से हमारे साथ, मैं आपको बड़सर की आज हालत दिखा रहा हूँ, कोशिश करूँगा और भी 2-3 पोलिंग बूथ स्टेशंस पे आपको ले जाऊँ और वहाँ की व्यवस्थाएँ भी दिखाऊँ, और अगर कोई बात ऐसी रहेगी तो ज़रूर आपके बीच में आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।